तो सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 फैंस और दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शो के मंच पर कंटेस्टेंट्स की शानदार सिंगिंग के साथ साथ शो के जजेस की मस्ती को भी दर्शक खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ शो के मंच पर ऐसा टैलेंट भी देखने को मिल रहा है जिसे देखकर हैरानी भी होती है। और दोस्तों, शो के ऑडिशन के दूसरे एपिसोड में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर शो के जज विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया की आंखें भी फटी की फटी रह गई। जी हाँ, दरअसल ऑडिशन के लिए शो के मंच पर एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री हुई जिसने मेल और फीमेल वॉइस में अपनी सिंगिंग का जलवा दिखाया। आपको बता दें कि शो के मंच पर जब जली तामिन नाम के कंटेस्टेंट ने फीमेल वॉइस में नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का ओ हमसफर गाना गाया तो जजेज की बोलती ही बंद हो गई। जली तामिन की फीमेल वॉइस जजेज के दिल को छू गई। परफॉर्मेंस के बाद शो के जजेज ने जली तामिन के इस अद्भुत टैलेंट की खूब तारीफ की और इंडियन आइडल के मंच पर वापस आने के लिए शुक्रिया किया। जी हाँ, वैसे आपको बता दें कि जली तामिन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से हैं, जो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में काम करने के लिए इंडियन आइडल के मंच पर पहुँचे और हर किसी को अपनी डबल सिंगिंग से हैरान कर दिया। वैसे दोस्तों, जली तामिन के इस मल्टी टैलेंट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं।